गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी का क्लास है और हिंदी की क्लास में आज आप पढ़ेंगे चैप्टर लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम यशपाल जी के बारे में जानेंगे। यशपाल जी प्रमुख निबंधकार, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं समाजवादी विचारधारा के प्रबुद्ध कहानीकार थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब प्रांत के फिरोजपुर जिले के छावनी में हुआ था। वैसे इनका मूल निवास जो है वो स्थान कांगड़ा है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इनके पिता व माता का नाम हीरालाल और श्रीमती प्रेमा देवी था। इनकी आरंभिक शिक्षा कांगड़ा जिले में हुई। इन्होंने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और बीए तक की शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर से प्राप्त की। उसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह एवं सुखदेव से मिले। अपने सहपाठी लाला लाजपत राय से मिलकर इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, सिंहावलोकन इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, नशे नशे की बात, रूप की परख इत्यादि। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं तो इनकी रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारी की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। इनकी जो भाषा शैली है उसमें स्वाभाविकता, सजीविता तथा रचनागत विशेषता है। इनकी जो भाषा है अत्यंत सरल, सहज और पात्रों के अनुकूल है। इनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। अब आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज में व्यंग करते हुए ये साबित करने के लिए कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बाद में ये कहानी लिखी गई होगी और उसमें जो सामंती वर्ग थे उन पर कटाक्ष किया गया था कि सरकार के द्वारा जो नवाब थे उनकी नवाबी को छीना जा रहा था, फिर भी वे अपनी वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदि हो चुके थे और उसी में वो अपना जीवन बिताना चाहते थे, दिखावा करते थे, उसी पे इन्होंने कटाक्ष किया है। व्यंग करते हुए इस कहानी को लिखा है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। फुंकार मतलब आवाज़ कर रही थी, सीटी आ रही थी कि बस ट्रेन चलने वाली है। और लखनवी अंदाज, जैसा कि लखनवी यानी कि लखनऊ से संबंधित स्टाइल अंदाज, तो लखनऊ से ट्रेन चलने वाली थी। मुफस्सिल मतलब लखनऊ उसका केंद्र था और उस केंद्र के आसपास के शहर को जाने वाली थी, तो उसे मुफस्सिल कहा गया है। केंद्रीय और आसपास की जगह को मुफस्सिल कहा जाता है। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, मतलब वो ट्रेन अब चलने ही वाली थी।
आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। तब के ज़माने में ट्रेनों में तीन प्रकार के होते थे, तीन प्रकार के डिब्बे होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। और आज के डेट में थर्ड क्लास रहा नहीं, फर्स्ट सेकेंड क्लास अभी भी चल रहे हैं लेकिन थर्ड क्लास अब समाप्त हो चुका है। तो पहले भी ऐसे ही होता था, तो फर्स्ट क्लास का जो टिकट होता था सबसे ज़्यादा महंगा होता था, सेकेंड क्लास का उससे कम होता था और थर्ड क्लास में सारे लोग बैठ जाते थे, मतलब सभी लोग बैठते थे, उसका टिकट का जो पैसा होता था वो बहुत ही कम लगता था। अब लेखक क्योंकि आराम से जाना चाहते थे तो आराम से जाने के लिए वो सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे, तो वो आराम से जाना चाहते थे और सेकंड क्लास में बैठने के लिए उस समय टिकट के लिए अधिक दाम लगते थे। फिर लेखक सोचते हैं कि दूर तो जाना नहीं था, मतलब वो सोचते अपने मन में कि हमें दूर तो जाना ही नहीं था क्योंकि जो ट्रेन थी वो लखनऊ के से निकली थी, वो कहीं आस पास ही, मतलब लखनऊ के आस पास ही किसी शहर में उसे जाना था। तो वो सोचते हैं कहीं दूर तो जाना ही नहीं है, तो चलो ठीक है दे देंगे, जो भी सेकंड क्लास का टिकट होगा, टिकट का जो पैसा होगा उसे हम दे देंगे और सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। वो सोचते हैं और कहते हैं कि जब मैं सेकंड क्लास में बैठूँगा तो कहीं ना कहीं भीड़ से बचा रहूँगा, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, डिब्बे खाली रहेंगे, तो उस भीड़ से बचने के लिए और एकांत भी रहेगा, जहाँ मैं बैठूँगा वहाँ एकांत में एकांत हमें मिलेगा और एकांत में हम कोई विचार सोच सकते हैं, कोई कहानी के संबंध के विषय में सोच सकते हैं और कोई कहानी लिख सकते हैं, मतलब नए नए विचार एकांत में ही आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच करके और इसके साथ ही साथ मेरा मन होगा तो हम लेट भी सकते हैं, मेरा मन होगा तो हम खिड़की के पास में बैठ करके प्राकृतिक दृश्य को देख करके भी हम कुछ लिख सकते हैं। तो यही सब मन में विचार करके उन्होंने निश्चय किया और सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी छूटने वाली थी और सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक ने देखा, उन्होंने टिकट लिया और देखा कि गाड़ी छूट रही, मतलब धीरे धीरे अब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी, मतलब खिसक रही थी। और जब ऐसा होते देखा तो वो दूर से ही देखते हैं कि सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा है और उन्होंने समझा कि डिब्बा खाली है और खाली समझ करके वो तुरंत ही उस पर चढ़ गए, दौड़ करके मतलब उस पर चढ़ गए कहीं ऐसा ना ट्रेन छूट जाए। लेकिन अनुमान के प्रतिकूल, मतलब जैसा कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि यह डिब्बा जो है वो खाली होगा और मैं एकांत में बैठ सकूँगा, विचार कर सकूँगा, तो लेकिन क्या हुआ, अनुमान के प्रतिकूल वैसा कुछ नहीं था, डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब बिना जन का, या एक डिब्बा जो था वो उन्हें एकांत वहाँ पे नहीं मिला, डिब्बे में पहले से ही एक लोग बैठे हुए थे। तो अनुमान के प्रतिकूल उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, डिब्बे में पहले से ही एक पैसेंजर बैठा हुआ था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। जब वो सेकंड क्लास के डिब्बे में घुसते हैं ये समझ करके कि ये डिब्बा खाली होगा, तो डिब्बा खाली नहीं रहता है, मतलब निर्जन नहीं रहता है। क्या देखते हैं कि इसमें दो बर्थ रहता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सेकंड क्लास का ये डिब्बा है, दो सीटें लगी हैं जिसे हम सीट को बर्थ बोलते हैं, उस पर आराम से लेटा जा सकता है, बैठा जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। तो जब उसमें घुसते हैं क्या देखते हैं कि सामने की बर्थ पे लखनऊ के एक नवाब, यानी नवाबी नस्ल के एक नवाब, एक सफ़ेद पोश, मतलब सभ्य पोश, सफ़ेद पोश मतलब होता है सभ्य, एक सभ्य सज्जन बहुत ही सुविधा से, मतलब यहाँ आसानी से बहुत आराम से पालथी मार करके बैठे हुए हैं। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, उनके सामने एक तौलिया बिछा हुआ है जिसपे कि दो खीरे रखे हुए हैं, एकदम ताजे तरोताजे खीरे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। फिर लेखक कहते हैं कि गाड़ी छूटने वाली थी, मैं भी डिब्बे में, जब अचानक सहसा मतलब होता है अचानक, तो जब डिब्बे में मैं अचानक से कूदा तो मेरे अचानक कूद पड़ने से जो सज्जन वहाँ पर बैठे हुए, जो नवाबी सज्जन वहाँ पर बैठे हुए थे,
उन्हें देखकर के ऐसा लगा कि जैसे सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, जैसे उन्हें ऐसा लगा कि मेरे वहां पर पहुंचने से उनके एकांत में बाधा पड़ी। वो अपने मन में सोचते हैं कि मेरी तरह वो भी यही सोचे होंगे कि एकांत डिब्बे में बैठूंगा, हो सकता है मेरी तरह वो भी कुछ सोचना चाहते हैं, कोई कहानी लिखना चाहते हैं, कुछ विचार करना चाह रहे होंगे, इसलिए एकांत डिब्बे में बैठे होंगे। लेकिन मेरे वहाँ पहुँच जाने से उनके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ा, मतलब उन्हें हमें देख करके उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। सोचा हो सकता है या भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। कहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि जैसे मेरी तरह ये भी कोई कहानी लिखना चाह रहे होंगे, इसलिए ये भी एकांत में बैठे होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि खीरे जैसी आपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या जैसे कि एक ये भी हो सकता है कि जैसे खीरा उसे आपदार्थ कहा, आपदार्थ मतलब एक साधारण सी वस्तु, या इस वजह से सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे होंगे कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, एक साधारण सी वस्तु खाते मतलब एक साधारण सा खीरा खाते हुए देख करके कोई कुछ कहेगा भी नहीं कि हाँ है नवाब, एक साधारण सी वस्तु को खा रहे हैं, चीज़ को खा रहे हैं। तो इसको खाने के लिए, हो सकता है इसको खाने के लिए एकांत में खाने के लिए कोई देख भी नहीं पाएगा और कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा, इस वजह से उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ना लेकर के सेकंड क्लास में बैठा होगा कि वहाँ भी एकांत आराम से मिल जाएगा, टिकट का पैसा भी कम लगेगा। नवाब साहिब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मैं जब मैं वहाँ पे पहुँचा, लेकर बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा उस डिब्बे में घुसा तो नवाब साहब को मेरा साथ मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे देखकर उन्हें के अंदर जरा सा भी उत्साह नहीं जगा कि हाँ चलो एक से दो हम सफ़र हो गए तो आराम से सफ़र कट जाएगा, ऐसा उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया, मुझे देख करके वो प्रसन्न नहीं हुए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठ कर आत्मसम्मान में आँखें चुरा ली। लेखक कह रहे हैं मेरे अंदर मेरा अपना भी कुछ आत्मसम्मान था, जब वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई किसी प्रकार का कोई उत्साह प्रकट नहीं किया ना कुछ बोले, तो हम भी उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए और आत्मसम्मान में अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में उनसे नज़रें बचा करके बाहर की तरफ देखने लगे। ऐसा मतलब दिखाया हमने कि उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं, वो उन्होंने हमको नहीं देखा तो हम आपको नहीं देख रहे हैं। थाली बैठे मतलब होता है खाली बैठे रहना यानी कुछ भी ना करना, खाली बैठे रहना कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। वो लेखक थे, वो खाली बैठ करके और कल्पना करते रहते थे, उनकी पुरानी आदत थी। नवाब साहिब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। जब वो वहाँ पे बैठे तो खाली थे और फिर वो कल्पना करने लगे मतलब सोचने लगे कि मेरे आने से नवाब साहिब को बड़ी ही असुविधा हुई और वो संकोच बस कुछ कह नहीं पाए, मुझे कुछ बोल नहीं पाए, तो के कारण का अनुमान करने लगे। उनकी असुविधा और संकोच के कारण का वो अपने मन में अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, अब देखिए किफ़ायत में सोता है कि मितव्ययता यानी कि कम खर्चे में ही हम अपना ये सफ़र तय कर लेंगे, तो शायद कम खर्चे के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गमारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। वो अपने मन में कल्पना करते हैं कि शायद उन्होंने भी ये सोचा होगा कि मेरा पैसा भी कम लगेगा, कम खर्च होगा और सेकंड क्लास का टिकट ले लूँगा और आराम से यात्रा भी हो जाएगा एकांत में, शायद ये सोच करके। और जब ये देखें कि मैं भी वहाँ पहुँच गया तो शायद अभी गंवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश यानी कोई मेरे जैसा कोई और सभ्य आदमी उन्हें मझले दर्जे में मतलब मिडिल क्लास यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो मिडिल क्लास में सफ़र करता देख ले। उन्हें ये बात गंवारा नहीं थी, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि हाँ इसी शहर का कोई सभ्य आदमी मुझे मतलब इस डिब्बे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और सफ़र को समाप्त करने के लिए सफ़र आराम से कट जाए इसके लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। उस समय तो ले लिए होंगे खीरा कि चलो कोई देखेगा नहीं, आराम से हम इस साधारण वस्तु को खा लेंगे, सफ़र भी कट जाएगा। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो अब
आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि किस तरीके से विचार करने लाते हैं कि किसी के सामने खीरे जैसी साधारण वस्तु को हम किस प्रकार से खाएं, कितना बड़ा अपमान होगा मेरा, तो ये शायद उनके मन में चल रहा होगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब कि अपनी पुतलियों को किनारे ले जा करके कॉर्नर से मतलब उनकी तरफ देख रहे थे, और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। यानी कि लेखक बताते हैं कि मैं अपने कनखियों से नवाब की ओर देख रहा था कि देखिए मतलब किस प्रकार से हाव भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो फिर मैं जब देखता हूँ तो क्या पाता हूँ कि नवाब साहब कुछ देर खिड़की से बाहर देखते हैं, और शायद बाहर देखते हुए कुछ सोच भी रहे होंगे, किसी बात पे गौर कर रहे होंगे। तो ऐसा मैंने देखा, और फिर ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। फिर अचानक से उन्होंने मुझे संबोधित किया और कहा, आदाब अर्जुन। आदाब अर्जुन मतलब अभिवादन किया। उन्होंने कहा, ओह, नवाब साहब ने सहसा अचानक से हमारा अभिवादन किया और कहा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने कहा, क्या जनाब आप खीरे को खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक बताते हैं कि अभी तक जो नवाब साहब बिल्कुल मेरी तक उन्होंने देखा तक नहीं, और किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं प्रकट किया, और वहाँ पहुँच जाने से उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अचानक से जब वो मुझे संबोधित किए और अभिवादन किया खीरे खाने के लिए जब मुझसे कहें, तो ये भाव अचानक से उनका ये जो भाव परिवर्तन हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और भाव लिया मतलब मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। और मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि झूठ मूठ का ये शराफत बनाए हुए हैं और हमें भी साधारण लोगों की तरह समझ रहे हैं। जैसे साधारण लोग जो होते हैं कि मतलब किसी ने किसी को कुछ भी दिया तो तुरंत उसे ले लिया, तो वैसे ही शायद मुझे समझ रहे हैं। लेकिन जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए, लेकिन मैं भी अपने आत्मसम्मान पर डटा रहा और हमने उत्तर दिया। जब उन्होंने मुझे खीरा खाने के लिए कहा तो मैंने भी उत्तर दिया, धन्यवाद आप ही खाइए। किबला शौक फरमाइए मतलब आप ही शौक रखिए या आप ही खीरे को खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। जब मैंने इनकार कर दिया कि नहीं आप खाइए, धन्यवाद देते हुए मैंने कहा नहीं नहीं आप खाइए, तो फिर नवाब साहब एक क्षण के लिए खिड़की से बाहर देखे और फिर विचार किया और फिर दृढ़ निश्चय करके उन्होंने एक तौलिया बिछाया और उस पर खीरे को रख दिया। सीट के नीचे एक लोटा रखा हुआ था, उसे उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। खीरा क्या होता है कि सिर काटना मतलब जो उनके किनारे का छोर होता है वो थोड़ा सा कड़वापन होता है, तो उसको दूर करने के लिए उसके सिरे को काटते हैं और फिर उसको रगड़ते हैं जिससे कि उसका जो कड़वापन है वो निकल जाता है। तो ऐसे उन्होंने किया। यहाँ पे देखिए खीरे को किस तरीके से मतलब खाया जाए, उससे पहले उसकी तैयारी को दिखाया गया है कि खाने से पहले उसकी तैयारी किस प्रकार से की गई। उसको धोया गया और फिर उसे पूछा गया, फिर चाकू निकाला, उसे काटा और फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर मतलब बराबर से बिल्कुल छील करके फाँको मतलब होता है कि फाँक कर देना, टुकड़ों में बांट देना। तो फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाँकों को करीने से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से तौलिए पर सजाते गए। खीरे को काटते गए और बहुत ही अच्छे तरीके से तौलिए पर उन्होंने उसको सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। मतलब लखनऊ स्टेशन पे खीरा जो लोग बेचते हैं वो किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से उसको मतलब धुलते हैं, काटते हैं, तो ये सारी चीज़ें लखनऊ वाले जानते हैं। ग्राहक के जो लखनऊ में खीरा बेचते हैं वो लोग ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जब खीरा बेचने वाले कोई कस्टमर अगर उनसे खीरा लेता है तो खीरा देने के साथ साथ में वह अपने ग्राहक को जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी साथ में
दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भुरक दी। तो लेखक सोचते हैं कि जब लखनऊ के स्टेशन से ये बैठे थे तो लेखक सोचते हैं ये भी अपना जब खीरा लिए होंगे लखनऊ से तो साथ साथ में उनको भी ये जीरा मिला नमक मिला होगा और लाल मिर्च का पाउडर दिया गया होगा। तो नवाब साहब बड़े अच्छे तरीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च का सुर्खी भुरक देते हैं, मतलब लाल मिर्च का पाउडर जो होता है वो मिला देते हैं। और उनकी जब वो ये कार्य करते हैं तो उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, मतलब जो उनका भाव विचार है, हाव भाव है, यानी चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, वो खीरे को काटते समय, उस पर नमक छिड़कते समय, उस पर लाल मिर्च का पाउडर छिड़कते समय, वो सारा एक्सप्रेशन और जबड़ों के स्पर्श से स्पष्ट था। जबड़ों के स्पर्श यानी कि जबड़ा मतलब उनके जो जबड़े थे वो कंपन कर रहे थे। तो उससे ये चीज़ लेखक बताते हैं कि जब वो खीरे को काटते हैं उसमें नमक छिड़कते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके और उनके जबड़े को हिलने यानी उसमें जो कंपन हो रहा था उसे देख करके ये एक बात तो स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। कह बताते हैं कि जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनका जो मुख है वो खीरे का रसास्वादन, ये मतलब अभी इतना टेस्टी खीरा खाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके मुंह में पहले से ही पानी प्लावित हो रहा था, मतलब पहले से ही पानी आ रहा था। जैसे हमारे मनपसंद जब कोई चीज़ बनती है तो उसे देख करके जैसे हम लोग लालायित हो उठते हैं, मुंह में पहले से ही पानी आ जाता है, तो ठीक वैसे ही उन नवाब के मुंह में पानी आ रहा था। हम कण अखियों से देख कर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। फिर लेखक बताते हैं कि हम अपने कनखियों से उन्हें देख लेते थे और देखते हुए सोच रहे थे कि मियाँ बनते तो रईस हैं और लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के लिए कि लोग मतलब ये जान ना पाएँ कि हम नवाब होते हुए भी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठे, तो लोगों की नज़र से बचने के लिए ख्याल में ही अपनी असलियत पर उतर आए हैं कि मतलब सेकेंड क्लास का टिकट लिए यहाँ पर बैठे हैं और पैसे बचाने के चक्कर में और खीरा लिया है कि सफ़र भी कट जाएगा और कोई हमें देख भी नहीं पाएगा, ये सब चीज़ें करते हुए अपने असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्लाह सौफ कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है। फिर वो एक बार मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सौख फरमाइएगा, ये लखनऊ खीरा जो है कोई ऐसा ऐसा खीरा नहीं है, लखनऊ का एक खीरे का एक प्रकार होता है बालम खीरा, एक वैरायटी होती है, तो बताते हैं कि एक विशेष खीरा है, एक बार खा के तो देखिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाकें, अब जब खीरे को धुला गया काटा गया और उस पर जब नमक मिर्च छिड़क दिया जाता है तो पानी छोड़ने लग जाता है, इसलिए कहा गया कि पनियाती फाकें, तो पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कह रहे हैं कि खीरे को जब देखा, पहले तो मैंने इनकार कर दिया था लेकिन जब खीरे को देखा तो कहीं ना कहीं मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, पर इसकी पनियाती फाकों को देख करके मेरे मुंह में भी पानी जरूर आ रहा था लेकिन इनकार कर चुके थे, लेकिन क्योंकि पहले हम मना कर चुके थे इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। जब हम पहले मना कर चुके थे तो अब मतलब खाना ठीक नहीं था, सेल्फ़ रेस्पेक्ट की बात थी, तो उसका निर्वहन करना भी उचित समझा और मैंने फिर इनकार कर दिया। उत्तर दिया, शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैंने कहा शुक्रिया धन्यवाद, अभी मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। फिर वो आगे कहते हैं कि मैदा भी ज़रा कमज़ोर है और किबला सौख फरमाए। फिर बताते हैं कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और फिर ये अपच होता है, ये जो होता है जो आसानी से पचता नहीं है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा मतलब होता है पेट, मेरा पेट भी थोड़ा कमज़ोर है, आमाशय जो भोजन को पचाता है, तो खाने पीने की वस्तु को जो पचाता है वो भी ज़रा कमज़ोर है, इतने आसानी से पचेगा नहीं, किबला सौक फरमाएं, आप ही खाइए, मतलब आप ही उसे खाइए। खीरे के संबंध में एक कहावत भी है कि सुबह का खीरा खीरा और दोपहर का खीरा, सुबह का खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और रात का खीरा पीरा। सुबह का जो खीरा लोग लो खाते हैं तो लाभ होता है और दोपहर में खीरा सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है और रात का खीरा नुकसानदायक होता है, रात में खीरा नहीं खाना चाहिए। तो उत्तर दिया, शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला सौक फरमाए। नवाब साहब ने सातिश्ल आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा,
खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। नवाब साहब जो होते हैं वो सदृश आँखों मतलब ललचाई हुई नज़रों से, और वह खीरा जो उस पर नमक मिर्च का छिड़काव कर दिया गया था, तो उस चमकती हुई खीरे की फाकों की जो ओर देखें और फिर खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी श्वास, दीर्घ निश्वास मतलब एक लंबा श्वास लिया। जब कोई चीज़, जब कोई भी कोई विचार करता है या किसी चिंतन में मग्न होता है तो फिर एक लंबी सी सांस छोड़ता है, तो वैसे ही एक दीर्घ लंबा सांस छोड़ना और लेना, तो एक गहरी सांस उन्होंने भरी और फिर खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए। फिर वो क्या करते हैं, एक फाक उठाते हैं खीरे का और उसे अपने ओठों तक ले जाते हैं और उसे सूंघते हैं, फाक को सूंघा उसे सूंघते हैं और स्वाद के आनंद में पलके मुंद गई, और फिर खीरे को अपने मुंह पे ले जाते हैं, उसे सूंघते हैं और ऐसा लगता है सूंघ करके ही उसका रसा स्वादन वो करते हैं, उसका स्वाद वो लेते हैं, और जैसे कहते हैं आह बहुत स्वादिष्ट है तो आँखें मूंद जाती, इसी प्रकार से वो भी अपनी आँखें मूंद करके और उसके स्वाद को लेते हैं और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। वो खाते नहीं हैं, सिर्फ सूंघते हैं और ये सोच करके उसका स्वाद लेते हैं और उनके मुंह में पानी आता है, उस पानी को भी वो पी जाते हैं, मतलब मुंह में जो लार बनता है खीरे को देख करके वो उसे फिर पी जाते हैं, घूंट जो है गले से उतर गया मतलब उस घूंट को पी जाते हैं। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, और इतना करने के बाद वो क्या करते हैं, जो खीरे की फाक होता है उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते, इसी प्रकार से उन्होंने एक फेंक फाक को उठाया और नाक के पास ले गए, सूंघे, उसका रसा स्वादन किया और फिर वो खिड़की के बाहर फेंक दी। इसी प्रकार से सारे खीरे वो उसका मतलब काल्पनिक तौर पे उसका रसा स्वादन करते हुए फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और ओंठ पोछ लिए। फिर वो जब सारे फाकों को सूंघा, स्वाद लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया, उसके बाद तौलिए से अपने हाथ को, हाथ और ओंठ को पोछ लिए और गर्व से बड़े ही अभिमान के साथ फिर वह गुलाबी आँखों, गुलाबी आँखों मतलब होता है बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, तो बड़े ही प्रसन्न होकर के और प्रसन्नता भरी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब इस तरीके से वो बहुत प्रसन्न होकर के हमारी तरफ देख रहे थे, जैसा लग रहा था कि कह रहे हों कि इस तरीके से खानदानी रईस लोग अपना जीवन व्यतीत करते, इस तरीके से लोग अपना खाते पीते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए और हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। हमें भी जब वो इस तरीके से खीरे की तैयारी किए और फिर उसका प्रयोग इस तरीके से किए और फिर थक कर के लेट गए, तो हमें भी उनकी स्वीकृति में मतलब सर हिलाना पड़ा, मानना पड़ा कि हाँ यह है खानदानी तहजीब नफासत नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। हम मतलब विचार कर रहे थे कि जिस तरीके से इन्होंने खीरे का इस्तेमाल किया है उस तरीके को, जैसे कि खीरे को, खीरे का सुगंध लेना और फिर स्वाद की कल्पना, कल्पना से उसका स्वाद ले लेना और संतुष्ट हो जाना, कि सूक्ष्म और नफीस मतलब बढ़िया और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेकिन क्या जिस तरीके से इन्होंने खीरे का प्रयोग किया है, क्या इस तरीके से किसी का पेट भर सकता है? उदर की तृप्ति मतलब संतुष्टि, क्या उदर मतलब होता है पेट, तो क्या किसी का पेट इस तरीके से भर सकता है, उसे इस तरीके से संतुष्टि पहुँच सकती है? तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। इतना मैं सोच ही रहा था कि इस तरीके से मतलब किसी का पेट भर सकता है या किसी को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, इतने में क्या मतलब मेरे कानों में आवाज़ आती है कि नवाब साहब का पेट भर गया, एक ऊंचा डकार मेरे कानों को सुनाई दिया। डकार कब आता है? जब पेट भर जाता है तब डकार आता है। तो ऐसे ही उन्होंने एक डकार लिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया खीरा लजीज होता है, मतलब खीरा जो होता है बड़ा ही स्वादिष्ट होता है लेकिन होता है शकील, शकील मतलब होता है कि
अपच्य मतलब जो जल्दी से पचे ना, तो और ना मुराद मैदे पर बोझ डालता है। साथ में ये भी कहते हैं खीरा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है लेकिन जल्दी से मतलब पाचक जल्दी से पचता नहीं है। और ना मुराद मतलब कहते हैं इसे, ना मुराद का मीनिंग होता है भाग्यहीन या दुर्भाग्यवश मैदे पर बोझ डालता, मतलब पेट पे बोझ डाल देता है, पेट जो होता है भारी हो जाता है जल्दी से ना पचने के कारण, जो पेट होता है थोड़ा सा भारी बन आ जाता है उसमें, इसलिए कहा गया कि मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, जब इन बातों को सुना तो मेरे जो ज्ञान रूपी जो आँखें थीं वो खुल गईं और मैंने पहचाना कि ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, फिर लेखक सोचते हैं उनके ज्ञान चक्षु जो थे वो खुल गए थे और उन्होंने पहचान लिया था कि ये हमारे नई कहानी के लेखक हो सकते हैं, और फिर वो कहने सोचने लगे कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। वो कहते हैं जब ऐसा हो सकता है कि बिना खाए ही सिर्फ किसी चीज़ का सुगंध लेने से और उसके स्वाद की कल्पना से उसका स्वाद ले लेना, लेने भर से अगर किसी का पेट भर जाता है और पेट भर जाना ही नहीं बल्कि डकार भी आ जाता है, तो क्या बिना विचार किए बिना किसी घटना के और बिना किसी पात्र के लेखक की इच्छा मात्र यानी कि सिर्फ इच्छा हो और कहानी लिख जाए तो क्या कोई कहानी बन सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हमें कोई कहानी लिखनी है तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है और उसके लिए कोई घटना अपने दिमाग में हम लाते हैं और जो उसमें रोल अदा करते हैं, जो उसमें अभिनय करते हैं उन्हें कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। तो बिना विचार के बिना घटना के और बिना पात्र के चाहे वह कहानी काल्पनिक हो और चाहे वह कहानी यथार्थ हो, चाहे वो यथार्थ जगत से जुड़ी कहानी हो चाहे वो काल्पनिक जगत से जुड़ी कहानी हो, हम बिना विचार घटना और पात्र के कहानी नहीं लिख सकते क्योंकि किसी भी कहानी को लिखने के लिए विचार घटना और पात्र की आवश्यकता अवश्य होती है। धन्यवाद बच्चों सुनने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।